अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस टाइम ओखला विहार अम्माद बिरयानी पर। भाई इनकी बिरयानी का जो क्रेज़ है ना, वो आपको अभी दिखाऊंगा भी मैं, और जो इनकी बिरयानी का जायका है वो भी मैं फ़र्स्ट टाइम चखूंगा, और क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं और जो इनकी बिरयानी में ओखला के में पूछा है मैंने, तो अभी तक सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, अम्माद बिरयानी। तो 20 साल पुरानी बिरयानी है। पहले इनकी दुकान थोड़ी सी आगे थी, छोटी दुकान, माशाल्लाह काम चला, अल्लाह ने बरकत दी, उसके बाद भाई ने पूरी यहाँ पर बड़ी दुकान कर ली है। ये तीन भाई हैं और तीनों भाई माशाल्लाह इस बिरयानी की दुकान को, बिरयानी बनाने में सब में मिलजुल कर काम करते हैं। तो आइए आपको एक नई बिरयानी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हम्माद बिरयानी से। क्या जायका होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा, आ जाइए। बाकी जो इनके ऑनर हैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा, क्या हिस्ट्री है वो आपको खुद बताएंगे। हम्माद बिरयानी, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो चलिए चलते हैं। देखिए जैसे ही मैं यहाँ आया तो भाई देख माशाल्लाह बिल्कुल नई नई आ चुकी है एकदम, और यहाँ पर आप थोड़ा सा क्रेज़ देख ही रहे हैं, जो क्राउड है। बाकी माशाल्लाह अंदर भी आपको दिखाऊंगा तो पूरा हाउसफुल हो रखा है, और बिरयानी की रंगत थोड़ी हमारी पुरानी दिल्ली से अलग है। तो चलिए अब ये देख देखिए आप, पूरी खाली हो चुकी है और अब ये दूसरी देख यहाँ पर लगने जा रही है। तो आपको बिल्कुल नई देख से दिखाता हूँ हम्माद बिरयानी का क्रेज़। ये आती है बिरयानी की देख माशाल्लाह, और ये देखिए ये देख खुल चुकी है। अभी देख प्लेट भी दूसरी दे बेटा, ये देख बिल्कुल नई देख एकदम गर्मा गर्म आप देख रहे हैं। थोड़ी सी आपको इस बिरयानी की रंगत अलग सी लगेगी, आधा किलो ले पहले बॉडी बढ़ा के कह रहे थे भाई अभी दे रहा हूँ आपकी बैग। लेकिन यकीन करके माने जो इसकी खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह, वो लाजवाब आ रही है। ये किलो तो ये आप देखें बिल्कुल पास से देख लें आप, और ये चिकन की बिरयानी होती है। आधा किलो बेटा सिंगल है और एक आधा किलो सब्जी एक साथ लेग डाल दिए। एक है भाई दे रहा अभी आपको 80। और क्या है बेटा इसके बाद एक नंबर पे बैठे हुए थे भाई, सिंगल सिंगल बॉडी की कितनी 3 क्वार्टर 3 60 दे दे भाई को, 80 नहीं लो डाल दो। तो भाई ऐसे ही यहाँ पर रश लगा रहता है माशाल्लाह, आप देख ही रहे हैं, और यही ओखला की भाई हम्माद बिरयानी है जिसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज है। 60 के कर दे, 60 कर दे, सिंगल बॉडी चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है भाई 60 वाली लगा। और ऐसे ही यहाँ पर ये बस हो गई तेरी प्लेटें सिंगल दो तीन। और थोड़ा सा अगर मैं आपको अंदर का माहौल दिखा दूं तो ये डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पर माशाल्लाह आप देख लीजिए रश कितना है जो हम्माद बिरयानी पर है, तो आप रश के हिसाब से देख सकते हैं। और इतने ही आप देख सकते हैं, बाहर भी माशाल्लाह रश है। तो चलिए माशाल्लाह आज जो था हमारा जो जायके की जो तलाश थी वो हम्माद बिरयानी की थी, और हाजी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाजी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ,
और बिरयानी जो ऐसे अपना मुगलाई जायका है। पुरानी दिल्ली के अंदर तो बहुत सारी बिरयानियाँ मशहूर भी हैं और वो मैंने पब्लिक को दिखा भी रखी हैं, लेकिन जब मैं और कुछ नई पब्लिक को बिरयानी दिखाना चाहा तो मेरे सामने हम्माद बिरयानी का नाम आया। तो जब मैं ओखला आया तो हर ओखला के जो बाशिंदा है, जितने भी लोग हैं, उन सब की ज़बान पे एक ही नाम था, हम्माद बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जी, क्या मतलब, क्या जायका ऐसा क्या है, आप खुद बताइए कि क्या कहानी है इस बिरयानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके में बस वो नेचुरल चीज़ें डिश के अंदर डली हुई जो आज से 30-40 साल पहले बिरयानी में डलती थी। ना इसके अंदर अचार है, ना बहुत ज़्यादा मिर्ची हैं, नॉर्मली हरी मिर्ची हैं इसके अंदर, और अपना एक रियल टेस्ट है जो नमकीन बिरयानी का। जो नमकीन बिरयानी होती थी ऑथेंटिक वाली। जी जी बिल्कुल ठीक है। आज दूसरी चीज़, कितना टाइम हो चुका आपको इसमें? ये तकरीबन अब हमें थोड़े दिन में इंशाल्लाह 20 साल हो जाएंगे ये काम कर। 20 साल हो जाएंगे माशाल्लाह। तो ये स्टार्टिंग यहीं से थी या कहीं और से थी? स्टार्टिंग में तो एक हमारी आगे दुकान थी छोटी, और उससे हमने काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कि दोनों दुकानें चलती थी, वो भी चल रही थी, ये भी चल रही थी, लेकिन वालिद साहब के इंतकाल के बाद में कोई बैठने वाला सही से प्रॉपर आदमी नहीं था, तो उसको हमने बंद करके बस यही आउटलेट। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ पूछ गया, आप सबसे पहले नाम तो बताइए अपना। जी, मेरा नाम गुलफाम अहमद है, पूरा नाम सैयद गुलफाम अहमद। सैयद गुलफाम अहमद। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, टाइमिंग क्या है शॉप की सर? नॉर्मली ये है कि सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है और रात के 10 बजे तक अवेलेबल रहती है। और किसी दिन की कोई छुट्टी? बस ईद की छुट्टी। ईद की छुट्टी होती है, और थोड़ा रमज़ान में जो है टाइमिंग चेंज हो जाती है। ठीक है। और रमज़ान के साथ। अच्छा, जैसे कि वो आपके छोटे भाई हैं? जी जी। जैसे कि वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि माशाल्लाह हम तीन भाई इस पूरी बिरयानी की जो चीज़ है उसको संभाल के रखते हैं। हाँ, क्या है, क्या मतलब, क्या है ये बिरयानी बनाता कौन है? ये इनसे जो है, ये सबसे छोटे भाई हैं और एक मेरे से छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ जी। वो जो बीच वाले भाई हैं वो बिरयानी बनाते हैं। अच्छा। वो किचन में ही रहते हैं। अच्छा, किचन में ही रहते हैं वो। ठीक है। और काम इन्होंने शुरू किया था, ये सबसे छोटे, इनका नाम रियान है, और काम शुरू करवाने वाले हैं हम्माद के मामू, जिनका ताल्लुक पुरानी दिल्ली से। ओके। और उन्होंने ही हमें ये काम का आइडिया दिया। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं पीछे से? हमारे आबो अजदाद तो पुरानी दिल्ली से के रहने वाले हैं, लेकिन ये कि हमारी परवरिश जो है वो हम सहारनपुर के। सहारनपुर। जी जी। चलिए, तो हाजी जी से मैंने आपकी बात करवा दी है। माशाल्लाह हम्माद बिरयानी का जो भी यहाँ पर चीज़ थी, कितने साल पुरानी है, क्या टाइमिंग है, और पूरी फैमिली इसके अंदर लगी हुई है आराम से, तो मैंने सोचा कि आपको ये बिरयानी भी दिखाई जाए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बाकी अब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बिरयानी के साइड लेके चलता हूँ, जो छोटे भाई खड़े हुए हैं ज़रा उनके बारे में पूछेंगे, उनका क्या नाम है, और वो इस टाइम बहुत ज़्यादा भाई साहब व्यस्त हैं, बिजी हैं बिरयानी निकालने में। आइए, तो चलिए गुलफाम भाई से थोड़ी सी राहत लेकर मैं आ चुका रिहान भाई के पास, जिन्होंने ये काम स्टार्ट करा था जैसे गुलफाम भाई ने बताया। तो रिहान भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? रिहान भाई, ये चीज़ बताइएगा, माशाल्लाह बिरयानी जो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, एकदम सोवर है एकदम। ये ऐसी है कि मैं आपसे एक बात कह दूं जी, इसको बचपन भी खाए और पचपन का भी खाए। अच्छा, माशाल्लाह। इसमें ना तो मिर्चें होती हैं, लाइट मसाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, और ज़्यादातर हमारा काम ये ज़्यादातर हम खुद ज़्यादा इसलिए सर्व करते हैं, 70% हमें ग्राहकों का ये पता है कि किसको किस कैसी किस तरीके की चाहिए। सबसे बड़ी वाली बात ये है। अच्छा, और सिर्फ एक ही टाइप की बिरयानी मिलती है? जी जी। तो भाई, ये हमारे रियान भाई माशाल्लाह बिजी ज़्यादा है, परेशान नहीं करेंगे। बाकी बता दिया मैंने सब कुछ आपको हम्माद बिरयानी के बारे में। अब क्या है, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, थोड़ा सा आपको डाइनिंग एरिया दिखा देता हूँ, बाकी बिरयानी निकलवाते हैं, उसका क्या जाएगा वो आप तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया रियान भाई। चलिए जी, रियान भाई माशाल्लाह मेरे लिए बिरयानी निकाल रहे हैं, और बिरयानी की देख देखो आपके सामने बिल्कुल अभी आई थी, कुछ ही मिनट हुए हैं माशाल्लाह, आधी से कम हो चुकी है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो बोलते हैं ना भाई, नमकीन बिरयानी, कोई अचार नहीं, और ये आ चुकी भाई अपनी बिरयानी, बहुत सही। तो देखिए, एक तो आपको मैंने ये डाइनिंग एरिया दिखा दिया था आपका, जो इनका ग्राउंड फ्लोर पर ही है, उसके बाद यहाँ पर क्या, इनके पास डाइनिंग एरिया की कमी नहीं है, एक इनका फर्स्ट फ्लोर पर भी है, फर्स्ट फ्लोर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इनका फर्स्ट फ्लोर वाला डाइनिंग एरिया है भाई, देख रहे हैं,
तो चलिए दोस्तों, माशाल्लाह हम्माद बिरयानी की जो बिरयानी है रेहान भाई ने हमारे पास भेज दी है, और ख़ुद भी माशाल्लाह आ गए हैं, और हर चीज़ माशाल्लाह बहुत बढ़िया है यहाँ पर। डाइनिंग की सबसे पहली बात वो मैंने आपको नीचे का भी दिखाया, ग्राउंड फ्लोर का, और ये फर्स्ट फ्लोर का भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कोई भी जायका अगर लेना हो तो उसके लिए तसल्लीबख्श बैठ कर खाना वो जायज़ है भाई, वो जब ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम्माद बिरयानी ने हर चीज़ की सहूलत दे रखी है आपको। अब इनकी बिरयानी की बात आती है तो बिरयानी पर रेहान भाई ये बताइएगा, ये 20 साल से ऐसे ही बिरयानी चल रही है या कुछ चेंजिंग की है? कोई चेंजिंग नहीं की है। और ओखला के अंदर मोस्टली आप ये समझ लो ज़्यादातर सब हम्माद बिरयानी को ही जानते हैं। सब अल्लाह का करम है और मेरे माँ बाप की दुआ है। बहुत बढ़िया, अल्लाह के बाद मेरे माँ बाप। आई थिंक 200 रुपये किलो, 200, ये 50 रुपये से हमने स्टार्ट करी थी 20 साल पहले, आज 200 रुपये। भाई 200 रुपये किलो बिरयानी है, लेकिन बिरयानी 200 रुपये किलो के हिसाब से भी सस्ती है, क्योंकि और जगह 240 या 260 चलती है चिकन बिरयानी। तो बिरयानी का रेट भी ठीक है। अब बिरयानी की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, सिर्फ आपको हल्का सा हरी मिर्च का अचार दिखेगा, ठीक है? वो अचार भी नहीं, सिर्फ खाली हरी मिर्च है ना, खाली हरी मिर्च होती है, अचार नहीं होता या जायफल जो, और बिल्कुल जो खड़े मसाले जो होते हैं, ये आपकी आगे देखिए, दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री, और जो नमकीन बिरयानी होती है ना ऑथेंटिक, सिर्फ वही यहाँ पर सेल आउट की जाती है, और यहाँ पर एक ही टाइप की आपको बिरयानी मिलेगी। तो शुरुआत कर ले रेहान भाई, आ जाइए आपके साथ में, आ जाइए ना भाई। भाभी जरा इंतज़ार कर रही है, रेहान भाई को थोड़ा सा पकड़ लिया था हमने। चलिए आप अगर मशरूम है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, सबसे पहली बात गोश्त की क्वालिटी देख लीजिए चिकन की, ये देख रहे हैं, बिल्कुल लाजवाब एकदम, ये देखें। अब आपको इसके अंदर कोई अचार कुछ नहीं दिखेगा, सिंपल बिरयानी, और चावल की क्वालिटी देख लीजिए आप, वही चावल है जो चलता है, ये देखें, देख रहे हैं चावल, एक एक चावल खिला खिला। तो चलिए कर लेते हैं बिस्मिल्लाह, पहले करेंगे खाली चावल से ही, ये भरकर एक ले लिया मैंने बाइट माशाल्लाह। पता नहीं कितने सालों के बाद मैंने ऐसी बिरयानी खाई है। इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, सिर्फ इसी का मज़ा है, और जो हल्का सा केवड़े की खुशबू आ रही है, नमकीन बिरयानी। और अगर आपको स्पाइसी करना हो तो आप इसका चटनी ले सकते हैं, भाई ने मसाला भी रखा है वो भी ले सकते हैं, लेकिन फुल ऑथेंटिक बिरयानी से कहते हैं ना भाई, ईमानदारी से, ये वो बिरयानी है। ज़बरदस्त, जिसको सिंपल सोबर नमकीन बिरयानी पसंद आती है, जिसको अचार वाली पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं आती, तो भाई ये उसके लिए तो बेस्ट होने वाली है। और जो यहाँ के कस्टमर थे, कुछ किसी से मैंने पूछा, बाकी औरों से मैंने नहीं पूछा, कोई भाई 50 किलोमीटर दूर से आया हुआ है, कोई 1.5 घंटे के सफ़र करके आया हुआ है, तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ आए हुए हैं। ज़बरदस्त बिरयानी है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, जो इनकी हरी मिर्च डली हुई नहीं है, ये छोटी वाली हरी मिर्च डली हुई है, जिसका अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो थोड़ी सी हरी मिर्च काटें और खा लें, क्योंकि ये इसमें तेज मिर्चें होती हैं, लेकिन भाई ज़बरदस्त है भाई। बहुत सालों बाद ऐसी बिरयानी खाई है, बहुत सालों बाद। अब थोड़ा थोड़ी सी एक चटनी डाल लेते हैं, ये टमाटर की चटनी, हल्का सा मसाला, एक बाइट ज़रा इन सब चीज़ों से मिलाकर भी इस बिरयानी को चखा जाएगा। आप यकीन करिए मानो, ये सब चीज़ डालने के बाद ना वो टेस्ट ही ख़त्म हो गया कि वो बिरयानी कहाँ है। मेरी तो भाई यही सलाह है, जब भी आप यहाँ आएँ आपको सिर्फ ऐसे ही खानी है बिरयानी, और ऐसे ही मज़ा आएगा। वाह, ज़बरदस्त। तो चलिए माशाल्लाह, ये खाने के बाद फिर दोनों भाइयों से मिलते हुए चलेंगे जात लेते हुए। तो चलिए माशाल्लाह, मैंने आपको बिरयानी का जायका भी बता दिया, और अब हम्माद बिरयानी भाई जिसके नाम पर है ना, वो गुलफाम भाई के जो हैं वो साहबजादे हैं, हम्माद भाई,
और ये हमारे गुलफाम भाई। माशाल्लाह बिरयानी भाई ज़बरदस्त है। एक बार जब आप आओगे ना तो जो ऑथेंटिक होती है ना नमकीन बिरयानी, वो आपको जायका मिलेगा। तो गुलफाम भाई एक बार आप पूरी लोकेशन बताइए, कहाँ है शॉप है आपकी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। जो भाई कालका जी साइड से आते हैं तो उनको पहले जामिया नगर स्टेशन पड़ेगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसके बाद आएगा। और जो लोग नोएडा साइड से आ रहे हैं शाहीन बाग स्टेशन के बाद में ये स्टेशन आएगा। ओके, अब बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ मेट्रो स्टेशन ये शॉप है। बिल्कुल बिल्कुल, मेट्रो स्टेशन से ही आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाऊँ सामने, आप देखिए मेरे इधर, ये सामने आप देख रहे हैं, ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन है और जस्ट उसके सामने आपको हम्माद बिरयानी दिख जाएगी। हम्माद भाई हमारे ये खड़े हुए, और माशाल्लाह यहाँ पर सुबह 10 बजे से, गुलफाम भाई हैं जी, सुबह 10 बजे से रात के 10-11 बजे तक, हाँ 10-11 तो रात के 10-11 बजे तक भाई माशाल्लाह आपको बिरयानी मिलेगी, वो भी सिर्फ चिकन की बिरयानी मिलेगी, कोई और वैरायटी बिरयानी यहाँ पर नहीं होती है, ऑथेंटिक नमकीन चिकन बिरयानी। और ऐसे ही कंटिन्यूसली यहाँ पर माशाल्लाह देगे आती रहती हैं, हर आधे घंटे पौन घंटे में देगे जाती रहती हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस बिरयानी को खाने में। बाकी जो साहबजादे हैं अम्माद भाई और गुलफाम भाई और जो हमारे रिहान भाई थे और एक भाई जो है जो ये हाथों जो क्या नाम है उनका, उनका नाम गुलजार अहमद, गुलजार भाई जो ये बिरयानी बनाते हैं, तो ये तीनों भाई हैं माशाल्लाह जो इस बिरयानी की पूरी दुकान को संभाल रहे हैं। तो अगर आप आना चाहें तो मैं इसकी लोकेशन नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मज़ेदार बिरयानी है एकदम। तो चलिए अब ज़रा इजाज़त दीजिए मुझे यहाँ से भी, गुलफाम भाई से भी, अम्माद भाई से भी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जाके के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा अम्माद भाई।